वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने घर से। आपको देख मतलब पता चल गया है बैकग्राउंड देख के कि ये खुद का घर है। खुद का घर का अभी क्या हाल है मैं बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखाती हूँ। तो खुद का घर ऐसा है, ये वॉल में कुछ है, इसमें मतलब वाटर लीक का ऐसे कुछ था तो ये वॉल पूरा ऐसे है। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है, शशांक का ये आइडिया है ये वॉल तोड़ो, तोड़ दिया। शशांक अभी ऐसा हालत है। बॉम्बे का जो सब मेरा सामान है वो भी आके ऐसा है। अभी मुझे इसमें से बहुत सारा सामान चाहिए बट मुझे साहस नहीं हो रहा मैं कौन सा बॉक्स करूं। उस टाइम मैं शशांक को सजेस्ट की थी कि एक मार्कर या पेन से लिख दो कि कौन सा क्या है। ये मैं बोली क्या, तुम्हें बोली नहीं थी कि कौन सा रिद्धि का है? बोले कि लम्बे मार्कर एक लिखे रख, तो बोली ना इसको मैं बोली थी। अभी ये नहीं मानेगा बट मैं इसको बोली थी, तो छोड़ो जो भी है। तो अभी ऐसा है हालत। और ये जब जितना बार आ रही है एक एक करके ले जा रही है, उसका घर भी भरा दे रही है ये टेडी से। तो देखो ऐसा है पूरा खराब कैसे हो चुका है, मुझे मतलब देख के अभी लग रहा है कि कब घर कैसा था कैसा हो रहा है। तो अभी कल या परसों ये सब मैक्सिमम जो सब फर्नीचर है वो शिफ्ट होगा। तो अभी बाथरूम भी तोड़ेगा, सब कुछ चेंज होगा। ये सब ये बेसिन भी पूरा चेंज होगा। तो इसीलिए ये सब मेरा प्रीवियस का था। तो देखते हैं क्या हाल है अभी। चलो ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा सा सब्जी वब्जी लेके निकलते हैं उस घर के लिए। घर आके अभी रिद्धि को बैठाई हूँ थोड़ा होमवर्क कराने में। तो रिद्धि अभी करने बैठी है थोड़ा बहुत, तो उसको होमवर्क मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा रही हूँ। अभी फिर जल्दी जल्दी फिर उसको डिनर करके सुलाना है। वो घर ये घर करके पूरा इतना हैपजट हो जा रहा है, मतलब कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये टाइम जो कब कैसे पार होगा। बच्चे करके ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा, बड़े होते तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, और ये रह भी नहीं रही है। तो फ्रेंड्स अभी डिनर हो चुका है, आज तो ट्यूजडे है इसलिए मैं डिनर और कुछ दिखाई नहीं। बहुत ही सिंपल सा ऐसे स्वीट वीट वो सभी है अभी, क्योंकि बाहर का रोटी भी तो अभी नहीं ले पाएंगे और इसका बदमाशी पूरा जारी है। तो बस अभी हेयर को थोड़ा से ऑयल की और अभी फिर से मैं विटामिन ई का कैप्सूल स्टार्ट की हूँ। ये बहुत तो अब देख सकते हो पूरा कम के आ रहा है, ये पहले बहुत एरिया लेके था। अभी फ्रेंड्स गुड नाइट बोलने का टाइम आ चुका है। तो अभी जस्ट डिनर की हूँ, आज तो सिंपल सा ही डिनर था। वो साबूदाना का खीर हम लोग लिए हैं और पापा बाहर से रोटी लेके आए थे, पापा एंड शशांक। तो बस वही रिद्धि भी साबूदाना का खीर ही ली है। तो अभी जस्ट हेयर को ऑयल करूँगी, फेस का मैं कर चुकी हूँ, विटामिन ई का देखिए मैं फेशियल स्टार्ट की हूँ। ये कम गया है, बहुत कमा है, पहले बहुत जग मतलब एरिया लेके था, अभी कम रहा है धीरे धीरे। टाइम तो लेगा क्योंकि मैं डेली यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, बट फेस का ग्लो तो इसमें ज़रूर आ रहा है, मैं मतलब नोटिस कर रही हूँ। अभी मैं और कुछ भी क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, विटामिन ई सिर्फ मतलब नाइट में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ऑयली है। तो अभी सोऊंगी, उसके बाद सुबह फिर से उठना है। अभी रूटीन सेट होने में टाइम लगेगा, मैं थक जा रही हूँ ये रूटीन से। तो चलिए अभी अभी रखती हूँ, फिर ये मतलब वीडियो तो मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का पार्ट तो मैं ऐसे ही कवर कर रही हूँ। वीडियो अपलोड होते हो तो लेट भी हो जा रहा है, बट हाँ उसी टाइम से और पहले मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। चलिए फिर मैं कल मिलती हूँ आपसे, अभी सो जाती हूँ। फ्रेंड्स अभी है वेडनेसडे, 6:25 टाइम हो चुका है, मैं उठ चुकी हूँ थोड़ा देर पहले। अभी उठ के थोड़ा सा फ्रेश होके बाहर खड़ी हूँ। शशांक गया है वर्कआउट के लिए, आजकल डेली जा रहा है। तो मैं मेरे पास अभी 15-20 मिनट है, तो मैं घर में कुछ वर्कआउट करती हूँ एंड उसके बाद किचन में जाना है। रिद्धि का तो स्कूल का है वो सब, हम लोग का भी आज बहुत सारा काम पेंडिंग है तो वो सब काम भी ख़त्म करना है। डेली अभी कुछ कुछ काम रह रहा है। शशांक अभी कल मतलब ज्वाइन कर गया है बट
यूजली वो मंडे से ऑफिस मतलब उसका हॉस्पिटल स्टार्ट करेगा, तो वही कल थोड़ा लेट से ही आया है, तो वही अभी के लिए मैं कर लेती हूँ थोड़ा से वर्कआउट, नीचे ही बैठ के थोड़ा से वर्कआउट करूँगी, जो योगा करूँगी। तो इंस्टामार्ट से कुछ कुछ मतलब जो होता है सामान वो ऑर्डर की थी, अभी तो परमानेंट जो ग्रॉसरी शॉपिंग है वो हम लोग किए नहीं है, तो वही थोड़ा बहुत मतलब देख के करना पड़ रहा है। एक्चुअली ग्रॉसरी शॉपिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोग के पास कंटेनर अभी नहीं है, तो कल तो मैं दिखाई ना बॉम्बे से सारा जो सामान था वो आ चुका है इस यहाँ पे, तो वो कंटेनर ही यूज़ करेंगे। बाकी मेरे घर में जो सब कंटेनर है उतना दिन से अनयूज्ड होके है, तो वो फिर धो के वॉश करना बहुत डिफिकल्ट है, दोनों में से कुछ एक करना पड़ेगा आज, क्योंकि ऐसे करके ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, एक ऑर्डर हो रहा है एक भूल जा रही हूँ ऐसे करके। तो चलिए ये सब करके रिद्धि के लिए ब्रेकफास्ट जल्दी से बना लेती हूँ। रिद्धि का आज पोहा है तो उसके लिए थोड़ा सा पोहा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। एंड हमारा है दो टेट्रा पैक दूध ऑर्डर की थी, यहाँ पे एक्चुअली डेली अभी मतलब आ नहीं रहा है, दूसरा कुछ आता है उसके पास, अमूल का नहीं रहता है, मदर डेयरी का भी नहीं है, तो मेट्रो का है, उसीलिए देखते हैं जितना दिन हो रहा है करते हैं, उसके बाद कुछ सॉल्यूशन दूसरा कुछ निकालेंगे। ऑनियन ऑर्डर की थी, थोड़ा सा सॉल्ट, यहाँ पर रॉक सॉल्ट नहीं मिला है, अभी रॉक सॉल्ट देखते हैं स्पेंसर से लेके आना पड़ेगा, और दो एप्पल, तो ये सब करके अभी ऑर्डर की हूँ। सॉल्ट इसीलिए करके रखी हूँ, इमरजेंसी केस में अगर सॉल्ट ख़त्म हो गया इतना ही है, हम लोग तो रॉक सॉल्ट ही यूज़ करते हैं अभी, यहाँ पे देखते हैं जो भी है मतलब लेके आना है। चलिए अभी काम स्टार्ट करते हैं, फिर ना तो देरी हो जाएगा। ऑयल गर्म हो गया है, अभी इसमें थोड़ा सा ऑनियन दे रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे कड़िया पत्ता अवेलेबल नहीं है, एंड ये पोहा मैं सिर्फ रिद्धि के लिए ही कर रही हूँ क्योंकि हम लोग के लिए ब्रेड है, वो ब्रेड आज खा लूँगी, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगा, ब्रेड से एक्सपायरी हो जाएगा। तो अभी जितने स्पैचुला पाना है तो इसको थोड़ा सा सॉटे करूँगी, पोटैटो ये डालूँगी और सॉल्ट और हल्दी डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी, तो अभी इसको थोड़ा से फ्राई करूंगी, जब ये थोड़ा से रेड रेड ऐसे हो जाएगा तब मैं आलू डाल दूंगी उसमें। चाय बैठाई हूँ, दीदी का ब्रेकफास्ट को तो मतलब बना दी हूँ, अभी टोस्टर इन का अवेलेबल है यहाँ पे, इसको कल ही साफ करके रखी थी, अभी सोच रही हूँ इसमें ब्रेड ये कर लूँगी, चाय के साथ ले लूँगी। उठ चुकी है, थोड़ा से अभी मूड ऑफ है, लेके आई हूँ उसके लिए बॉर्नविटा एंड बिस्किट लेके आई हूँ एक, यूजली उसको इतना सुबह खाने का मन नहीं है मतलब होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो मैं 8:30 अराउंड उसको कराती थी, बट कुछ चारा तो नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, एंड ड्रेस सारा निकाल के रखी हूँ। सुबह से मतलब ये घर से वो घर इतना भाग गई हूँ, इसी में पैर दुख रहा है, मतलब क्या बोलूँ, पता नहीं एक्सरसाइज था मतलब 10-15 मिनट ही वर्कआउट आज की हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ, आगे आगे ज़्यादा करना पड़ेगा, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, देखते हैं। अभी पहले इसको खिला के रेडी करती हूँ, रेडी हो चुके हैं अभी जस्ट, हाँ गाड़ी भी आ गई है। दीदी तो पूरा खुश है ऐसे में, चलो बाय कर दो एक बार अच्छा से, बारिश हो रहा है आज। रिद्धि को ड्रॉप करके आई हूँ अभी ये घर में, जो जो सामान चाहिए, क्योंकि रिद्धि का अभी 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स में वो घर नहीं गई है, इसी घर में जो जो सामान चाहिए एंड कल पैकर्स एंड मूवर्स से बाकी का सामान जो यहाँ पे जो जो फर्नीचर है सब मैं अपने घर भेजूँगी, तो वही उसी लिए जो जो मुझे मैक्सिमम चाहिए वो सब रख रही हूँ, और उसलिए ट्रॉली लेके आई हूँ, वो घर लेके अभी रख दूँगी, और बाकी का तो कल लोग आएंगे तो पैक करके ले जाएंगे। घर अभी ऐसा हालत है, ये तो मैं दिखाई थी कल, ऐसे टाइप का है अभी, तो ये सब फर्नीचर चला जाएगा क्योंकि ये ऊपर का भी ये सब फ्लोरिंग मतलब ये सब टूटा मतलब ये करेंगे वो लोग कारपेट, तो वो लोग बोल रहे थे कि आइदर आप सामान कहीं दूसरा घर में शिफ्ट करो या करो, तो हम लोग और घर रेंट नहीं ले रहे हैं, इतना पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है कुछ नया घर है शशांक का हिसाब से, तो नया सामान ही होगा सब कुछ, सिर्फ मेरे ये फ्रिज मैं रख रही हूँ क्योंकि इसका ये बहुत मतलब यूज़ ही नहीं हुआ था मैक्सिमम, क्योंकि शशांक तो उस टाइम नहीं रहता था
ना, तो हम लोग मतलब मेरे और मम्मी के लिए ये जो किचन का जो ये छोटा वाला फ्रिज है, इसी में ही हम लोग का हो जाता था। क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो मैं यहाँ रहती नहीं थी, जो दो चार दिन के लिए आती थी तो ये से ही मेरा हो जाता था किचन में। तो ये फ्रिज यूज ही नहीं हुआ है मेरा। मैक्सिमम यूज होता था वॉशिंग मशीन एंड ये सोफा बहुत यूज होता था, क्योंकि सोफा में रिद्धि मैक्सिमम एरिया इसका बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे सो जाती थी वो। तो चलिए ज्यादा बकबक नहीं करती हूँ, काम में लग जाते हैं, स्टार्ट करती हूँ। टीवी भी खोल के अभी रख दिया है, तो चलिए जो जो मुझे चाहिए वो सब मैं फटाफट से ले लेती हूँ। पंखा ऑन करती हूँ, ये सब भी चेंज कर देगा शशांक शायद बोल रहा था, तो देखते हैं जो जो है। देखा कि अभी मोमो ये सब खाली कर रही है। हाँ देखिए अभी मोमो पूरा घर खुद से खाली कर रही है। मोमो का यही काम हो गया अभी, खाली अभी करना और सेट करना, और जिंदगी में और कुछ काम ही नहीं बचा मेरा अभी। ये जो जो सामान मतलब अभी चेक कर लियो फिर से, क्योंकि शशांक का इतना बुक लिया है, पता नहीं क्यों लिया, पढ़ा भी नहीं है शायद। नहीं पढ़ा है, पढ़ा एक भी बुक पे दाग नहीं है। तो ये दो सेल्फ में खाली कर चुकी हूँ। शशांक का बस चलो तो सारा फेंक देगा, ठीक है। तो मैं उसको बोली कि तुम रिद्धि को थोड़ा से लाने जाओ, तो मैं अपना ड्रेस सब थोड़ा सा चुन चुन के देख रही हूँ। तो इसमें से मैं बहुत सारा रखी हूँ, बट अभी मुझे मतलब उसको ये बेड तो रहेगा ओनली, तो इसमें चार बॉक्स है, इसमें मेरा सब कुछ ही आ जाएगा। अभी ये सब जो होम सेंटर से बहुत सारा चीज की थी, मतलब दिवाली के टाइम में, कभी एक कोई दिवाली में थी यहाँ पे शशांक नहीं था, तो ये सब चीज़ तो और फेंकूंगी नहीं ना, एकदम पूरा नया है ये सब। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर चीज है, होम सेंटर का चीज़ तो आपको पता ही है कितना अच्छा रहता है। तो ये सब है अभी, ग्लास का सब जार, जो कभी कभी मैं ग्लास का जार यूज करती थी, ये देखिए ऐसे टाइप का ग्लास का जार है। ये मेरा कुछ कैंडल रैक है, ये सब को अच्छा से रख के जाऊंगी, क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा, तो अगर नहीं आ पाई तो ये इसमें बहुत सारा ग्लास का जार है। मुझे ग्लास का जार और मतलब किचन होने के बाद लेने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें तो मतलब रिद्धि का जो भी सामान है प्रोडक्ट बचपन का ही है, ये सब देखना पड़ेगा। ये सब क्या बोलते हैं, एक्सपायरी हो गया है कि नहीं। ये मेरा एक अच्छा सा एल्बम है जिसमें मेरा बहुत सारा मेमोरी है। शशांक का पता नहीं क्या है उसमें, उसका मैक्सिमम ही नहीं है। रिद्धि का बैग वो भी मैं पैक करके रख दी थी, ये बैग मैं हार्डली एक दो बार यूज की हूँ। चलिए सब करते हैं, बाप रे कितना है। अच्छा रिद्धि का जो गर्म पानी का जाएंगे देखेंगे हर एक मतलब जो इसमें थोड़ा से कवर करके हर एक में इसका बुक्स, और बोल रही है कि मेरा इतना सामान है। देखिए चारों तरफ इसका बुक्स से मिलेगा कि ये सब तो आधा जगह ले लिया है, पता नहीं पागल हो गई हूँ। देखिए हर एक में, इसमें भी कि ये सब मेरा मतलब शादी के टाइम का है, ट्रेडिशनल जो सब बोलते हैं ना पीतल का वो सब है। तो इसमें से बहुत मतलब हम लोग के वहाँ पे मैक्सिमम ही ये ट्रेडिशनल चीज़ दिया जाता है, मतलब हाँ आजकल तो कोई यूज़ नहीं करता है, बट ये शगुन होता है, तो इसीलिए मैं कुछ कुछ भगवान की चीज़ रख रही हूँ, जैसे कि जो सब मुझे काम आएगा। ये मेरे पास एक है बट ये थोड़ा सा बड़ा वाला है, ये जैसे कि दिया है इसको थोड़ा से मतलब साफ करने से ना, पीतंबर से साफ करने से ये बहुत अच्छा दिखता है जब पूजा करते हैं। ये एक हम लोग का जो जगन्नाथ भगवान है, तो वो शादी के टाइम में उनका मंदिर जाके पहले वो रस्म करना पड़ता है एक, तो वो जगन्नाथ देव का ही एक मतलब प्लेट है ये। ये भी एक बड़ा से जब हम लोग का घर में पूजा हुआ था तब ये सब सामान यूज़ हुआ था, तो उसीलिए कुछ कुछ रख रही हूँ और बाकी का मैं भेज दूंगी। चले तो शशांक का जितना भी बुक्स है उसको मैं निकाल दूंगी, इरिटेटिंग करके रखा है इंसान। ये देखिए ये सब मतलब पूरा ट्रेडिशनल है, तो ये सब भी
कभी भी लाइक जैसे कि फर्स्ट जो हम लोग का गोद भराई होता है उसमें भी हम लोग का पीतल का इसमें ही डाल के सब कुछ दिया जाता है। तो बहुत प्लेट है, इसके अंदर तो पूरा पैक्ड है, ये एक बड़ा सा है। तो शशांक मुझे बोल रहा है कि इसको रख देने के लिए इसमें वो बिरयानी बनाएगा कभी भी अगर सब दोस्त लोग आएगा तो बट ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके अंदर भी सब कुछ हम लोग का वो कांसा पीतल जो बोलते हैं उसका है। तो अभी मैं फिलहाल ये सब भेज रही हूँ, कभी भी अगर कोई ज़रूरत हुआ, हर ओकेशन में मेरे मम्मी पापा आना जाना करते रहते हैं तो उस टाइम मैं उन लोगों को बोलूँगी लाएंगे। और मेरे मम्मी बहुत अच्छा से मतलब जो भी चीज़ है छोटा सा छोटा चीज़ भी बहुत अच्छा से केयर करके रखती है, तो इससे इतना हो तो नहीं पाता है, तो इसलिए मैं भेज रही हूँ। जितना रखूँगी उतना मुझे हेडेक है क्योंकि ये सब को बीच बीच भी मम्मी कभी कभी निकालती है। मम्मी का भी मतलब वीकडेज में नहीं होता, इसका स्कूल है, बट फिर भी उनका बहुत पेशेंस है, बहुत प्रोएक्टिव है मुझसे ज़्यादा। तो चलिए होपफुली ये सब मम्मी को दे देने से मम्मी केयर करके रखेगी। और बस यही है, तो अभी ये बुक सबको निकाल के जो जो मेरा जो सामान है वो सब अभी ये करूँगी। बुक निकालते निकालते हाथ पूरा दर्द हो गया है, देखिए क्या बोलूँ, मतलब मेरा इतना पेशेंस था करके ना, जब मैं घर शिफ्ट की थी वो घर से ये घर आई थी तो सारा बुक्स उसका जब भी कहीं भी जाऊंगी सारा को ले चलो। मुंबई भी कितना लेके गया है, शायद एक दिन भी खोला नहीं, एक दिन भी नहीं। वैसे सिर्फ मेरा दो चार ही बुक्स मिलेगा, ये एक सेट, ये सब तो कुछ काम ही और नहीं आएगा, बस ये तीन ही बुक्स मेरा है। देखिए मैं वहां से उठा भी नहीं पा रही हूँ। टिफिन तो नहीं खाई है, थोड़ा सा खाई थी, अभी गाड़ी में ही खिला रही हूँ, थोड़ा बहुत काम की हूँ, अभी जा रही हूँ बैंक, थोड़ा बैंक में काम है तो आधा घंटा एक घंटा में अगर हो जाता तो अच्छा है। फिर घर जाके रिद्धि को थोड़ा से खिला के सुला के फिर से आके ये सब बाकी का काम खत्म करूंगी। एंड शशांक का 6 बजे से शायद एक कुछ मीटिंग है तो उससे पहले फिर घर भी जाना है, तो वैसा ही चल रहा है अभी। है DLF 1, यूजली जब स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे ही रहते थे तो DLF 1 में यहाँ पे उतर के हम लोग उस साइड जाते थे। यहाँ पे भी बहुत सारा कंपनी है एंड यहाँ पे आपका KFC है, तो अभी बहुत सारा और साइड हो चुका है। रिद्धि का बर्थ सर्टिफिकेट वो सब इसी एरिया में हम लोग लिए थे। तो बैंक भी हम लोग का स्टार्टिंग में DLF में रहते थे करके बैंक भी सब यहाँ पे ही है, हम लोग का एड्रेस अभी चेंज करके वो घर का करूंगी। तो चलिए अभी बैंक का काम खत्म करके फिर आपसे बात करती हूँ, बैंक में तो अलाउड नहीं है। मुझे एक्चुअली बैंक और हॉस्पिटल ये दोनों आने में बहुत दिक्कत, मैं ये शायद एक युग बता रही हूँ क्योंकि मेरा कार्ड सब फेल के चला जा रहा है। न्यू टाउन एरिया है, यहाँ से मैक्सिमम हम लोग ये एरिया अवेल करते हैं ज़्यादा। और अभी बैंक का काम ख़त्म हो गया है, ये देखिए ये सामने है सेंट्रल मॉल, इसमें होम टाउन भी है, बहुत आते थे इस जगह में स्टार्टिंग में। ये वाला है द गैलेरिया, इसमें
बहुत सारा इंटीरियर का मतलब है, शॉप है, इसमें छोटा छोटा मेडिकल शॉप भी है, अपोलो, हाँ अपोलो का है छोटा छोटा, बहुत सारे डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पे आते हैं। मैं भी इनिशियली कभी कभी आती थी ये जगह में थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए। और ये वाला अभी तो मतलब ये एरिया पूरा मेट्रो के लिए काम हो रहा है, बट ये जगह बहुत सुंदर से सजाए हैं हमारे वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर, बहुत अच्छा से ये चीज़ मेंटेन किए हैं। तो हर एक जगह में ग्रीनरी ऐड किए हैं, रास्ता सब पहले से बहुत बेटर हो चुका है चारों तरफ। तो ये वाला जो एरिया है इसको नारकेल बगान बोलते हैं। तो ये सब मेट्रो स्टेशन हो रहा है यहाँ पे, बहुत काम, मतलब हम मैं 1.5-2 साल पहले एरिया में आई थी और अभी ये एरिया सब देख रही हूँ, बहुत चेंजेस हो गया है। फ्लैट सब तो है बट रास्ता इधर से उधर बहुत चेंजेस हो गया है, बहुत अच्छा हो गया। पहले क्रॉसिंग करने में बहुत दिक्कत होता था एरिया में, बट अभी बहुत सबवे भी बन गया है। सबवे हो चुका है सब मैक्सिमम जगह में। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, देखिए वहाँ पे दिख रहा है भागीरथी नियोटिया करके, ये यहाँ पे ही है। तो रिद्धि इसी हॉस्पिटल में हुई थी, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं यूजुअली ऑफिस आती थी और यहाँ पे चेकअप करती थी। शशांक तो उस टाइम मुंबई में थे। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत अच्छा फेमस कॉलेज है ये। ये भी एक ओहियो एक कार्डियो एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, इसके बगल में ही आपका स्टार्ट होता है टाटा मेडिकल। तो ये यहाँ पे मतलब आसपास ACG कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ पे। यहाँ पे आपका मेन तो है टाटा मेडिकल ये एरिया में, एंड ये हाँ ये देखिए ये है टाटा मेडिकल हॉस्पिटल, ये वाला यहाँ ये जो एंट्री गेट है, ये एरिया बहुत बड़ा है टाटा मेडिकल का। जब शशांक यहाँ पे आता था तब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, मतलब हो गया था फिर भी, बट वो पीछे का एरिया तभी काम चल रहा था, बट अभी ये हो चुका है। ऑब्वियसली 4 साल में तो ग्रो करेगा। ये जो बैक साइड का ये बिल्डिंग उस टाइम बन रहा था, अभी ये पूरा फिल्ड अप है क्योंकि पार्किंग भी इधर बढ़ गया है। एंड ये टाटा मेडिकल का जो एरिया, ये ख़त्म होते ही TCS का एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग मतलब इसी एरिया से एक साथ ही आ जाते थे, और ऑफिस स्टार्ट एंड ख़त्म भी ऑलमोस्ट एक ही टाइम में ही होता है। ये वाला एक IT हब है, ये मैक्सिमम ही IT का है यहाँ पे। देखिए टाटा कंसल्टेंसी का ये एक ऑफिस है, इसमें आपका जेनपैक, कॉग्निजेंट, फिर आपका डेलोइट का भी ऑफिस है, बहुत सारा इसमें है। ये DLF बिल्डिंग है, मैं अपना ऑफिस आपको दिखाती हूँ। ये कॉग्निजेंट का ऑफिस है, मतलब यहाँ पे उस बिल्डिंग में बहुत सारा IT कंपनी है, बट ये है एक्चुअली TCS का सबसे बड़ा ऑफिस। ये टाटा कंसल्टेंसी का गीतांजलि पार्क का ऑफिस है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे ही होता है। ये बिल्डिंग बहुत बड़ा है, बहुत, इसमें शायद 10-12 ब्लॉक ऐसे करके है। ये देखिए ये है मेरा ऑफिस। तो स्टार्टिंग में ये सब जगह में हम लोग चाय पीने, गप्पे मारने, शशांक भी यहाँ पे खाने आता था अपना टाटा मेडिकल छोड़ के। तो देखिए ये है, ये ऑफिस जाके वहाँ पे एंड होगा। तो पहले बहुत सारा स्टॉल था, कोविड में बहुत सब कुछ चेंज हो गया है। अभी ऑफिस चल रहा है, वीकली 3 डेज करके ऑफिस तो हो रहा है, मैं अभी तो छुट्टी में हूँ फिलहाल। ये देखिए ये टाटा कंसल्टेंसी का मेन ऑफिस है कोलकाता में, ऑफिस तो हो रहा है क्योंकि सब तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ ये सब भी छोटा छोटा जो था वो सब खुल गया है। एंड ये एक इको स्पेस करके जो आ रहा है, यहाँ पे भी मतलब TCS है, TCS का ऑफिस है, उसके साथ और भी बहुत सारा छोटा छोटा कंपनी है, बैंक है छोटा मोटा। तो ये यहाँ पे भी मेरा ऑफिस था एक टाइम, फिर मैं चेंज होके वो वाला ऑफिस हो गया है। हमारा मैरिज का रिसेप्शन, हाँ मैरिज
यहाँ पे मैरिज हॉल भी है, तो ये हमारे मैरिज रिसेप्शन यहाँ पे ही हुआ था। तो देखिए ये सब यहाँ पे हम लोग यूजुअली मैक्सिमम ऑफिस लोग यहाँ पे हम लोग मतलब लंच स्नैक्स चाय पार्टी ये सब होता था। अच्छा टाइम था वो टाइम, कोविड में बहुत कुछ चेंजेस हो गया। अभी जो वीकली 3 डेज करके ऑफिस हो रहा है वो शिफ्टिंग टाइप का, मतलब हर एक कॉलिग के साथ हर एक का मुलाकात नहीं होगा ऐसे टाइप का। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी भी कर रहा है, बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पता नहीं कब अपने दोस्तों लोगों के साथ मिल पाएंगे। तो अभी रास्ता घाट सब कुछ बहुत चेंज हो गया है, बहुत क्लीन हो गया है, बहुत मतलब थोड़ा सा चौड़ाई में भी ज़्यादा हो गया है। पहले जो ट्रैफिक होता था अभी उतना नहीं हो रहा है। ये एरिया ऑलमोस्ट सेम ही है, ये एक हज का, ये हज है ना ना क्या की बोले हाँ हज हाउस है ये, हाँ यो ये आलिया यूनिवर्सिटी है, भूल गई थी टाम इतना दिन से नहीं है। तो ये बहुत बड़ा है ये कैंपस आलिया यूनिवर्सिटी का, देखिए बहुत बड़ा है बहुत। तो अभी जस्ट आके रिद्धि को बैठी हूँ, रिद्धि को जस्ट बैठाई हूँ खिलाने के लिए। बहुत लेट हो गया है, बैंक में थोड़ा सा टाइम तो लग ही गया, ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत था। तो आज उसके लिए है आलू डाल देके भिंडी फ्राई और एक फिश फ्राई, हम लोग का फिश का सब्जी हुआ है। तो उसको खिला के फिर जल्द जैसे ही वो सो जाएगी हम लोग फिर निकलेंगे वहाँ पे, मतलब जो भी सामान है सारा आज ही ठीक करना है। मॉर्निंग में उन लोग जल्दी आ जाएंगे पैकर्स एंड मूवर्स। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी लंच करते हैं उसके बाद बात करती हूँ आप। तो आज हुआ है ड्रमस्टिक का सब्जी और फिश का जो एग होता है उसका एक फ्राई हुआ है और फिश हो गया है खाना, सब बैठ गए हैं और रिद्धि खा के उसको थोड़ा से फ्रूट्स दी हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी लंच करते हैं, अभी 3 o'clock फिर से निकलना है। से जा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं रुकी, उसको पता चल गया है। तो अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं, जाना है काम में, कल का दिन होने से शांति। तो अभी घर में हूँ, सामान तो जो पैक वो सब हो रहा है साथ में, वो सब मतलब वो लोग खाली भी कर रहे हैं, वो आ गए हैं वो सब। तो बस यही चल रहा है, थोड़ा बहुत बाथरूम का काम भी हो रहा है, सब कुछ मिला के चल रहा है। रिद्धि स्कूल से आ गई है, टिफिन थोड़ा बहुत खाई है, थोड़ा भी यहाँ पे खा रही है। यहाँ पे 1 hour स्पेंड करेंगे, मम्मा जी सच है 1 hour स्पेंड करेंगे फिर घर चले जाएंगे। तुम दादा रे खाओ कि छूने बिकू आ। हाय फ्रेंड्स, तो बस अभी थक चुकी हूँ, घर आई हूँ, फ्रेश हुई हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्टिव है मेरा और बिल्कुल एनर्जी नहीं है, ये सब बैग घर का ये सब सामान ये सब करके। तो अभी जस्ट हेयर वॉश की, क्योंकि इतना गंदा हो गया था धूल मिट्टी में, अच्छा से मतलब सुबह बहुत हड़बड़ी हो रहा है, घर का काम हो रहा है अदरवाइज एक रूटीन बन जाता। तो वही अभी 1-2 महीना ऐसे चलेगा, 1-2 महीना मेरा कुछ काम नहीं है घर का उधर, थोड़ा बहुत अभी इनिशियल स्टेज में ये वो देखना पड़ रहा है, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ, अगर किसी भी रीज़न में मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे पता भी नहीं चल रहा है। चलिए फिर कल मिलते हैं, कल तो नहीं मैं ट्राई कर रही हूँ अभी थोड़ा गैप में वीडियो बनाना, बट हाँ बनाने का ट्राई कर रही हूँ।